हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजमा की रेसिपी। ये देखिए, ये बॉयल राजमा है। ये देखिए दोस्तों, ये बॉयल राजमा रखे हैं मैंने, ओवरनाइट कुक भिगाए हुए थे और ये हमने बॉयल कर लिए हैं। थोड़ा इसमें खड़े मसाले डाले थे और ये बारीक किया हुआ चॉप, ये घर के स्टाइल से बना रही हूँ मैं। और ये अदरक लहसुन और टमाटर को मैंने बारीक चॉप से मैं ग्रेट कर लिया है। और ये है हमारा चॉप किया हुआ लहसुन। चलिए बनाते हैं। ये दोस्तों, एक कढ़ाई ले लीजिए, इसमें सरसों का तेल डालिए 2 टेबल स्पून। ऑयल हमारा गरम हो रहा है। ये देखिए, ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून डालेंगे जैसे हरी इलायची और लौंग और काली मिर्च। ये देखिए, हमारा जीरा रोस्ट हो चुका है, सारे मसाले भी। अब हम डालेंगे लहसुन की कलियां। ये देखिए, हमारा लहसुन हो चुका है। अब इसमें डलेगी बारीक चॉप की हुई प्याज। ये देखिए, हमारा मसाला हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर और हरी मिर्ची। ये देखिए, हमारा टमाटर भी भून के बहुत अच्छा हो गया। अब हमें इसमें डालना है 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और 2 पिंच हींग। हींग इसमें ज़्यादा ही डलता है थोड़ा, राजमा गैस वगैरह ना बनाए। ये देखिए, ये 1 चम्मच डलेगा जीरा पाउडर। ये देखिए दोस्तों, मसाला कितना अच्छा भून के हमारा तैयार है। ये देखिए दोस्तों, हमारा मसाला बन के तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे राजमा। हमारा मसाला ने अच्छा सा कलर छोड़ दिया कश्मीरी मिर्च से, और बहुत अच्छा कलर आता है देगी मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च, तीखी भी नहीं होती है वो। ये देखिए, राजमा में बॉईल आ गया दोस्तों। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा कस्तूरी मेथी। देखिए, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है दोस्तों, ये स्किप ना करें, ये ज़रूर डालें। ये देखिए, राजमा हमारा बन के तैयार है। अब डालें इसमें सबसे लास्ट में हरा धनिया। ये देखिए, दोस्तों हमारा राजमा बनके तैयार है। ये देखिए, अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये देखिए, राजमा बनके तैयार है। टेस्टी एंड यम्मी। बाय बाय।